हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिचारी और औपचारिक परीक्षण। जो क्वेश्चंस दिया 0 to 5/4 हमें लिमिट्स दिए और 1/√10x dx के अभिचरण का परीक्षण करना है ना, ये इसकी जांच करनी है। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड हर न्यू रिलेटेड वीडियो जो PCM की जानकारी आपको मिल सके। तो देखिए, जो इंटीग्रेशन हमें दिया है 0 to 5/4 dx 10x, ये हमें सेकेंड प्रकार का अनंत समाकल है। आपने अनंत समाकल की थ्योरी पढ़ी होगी आपने रियल एनालिसिस में, है ना। तो वो यहाँ से उस परीक्षण से ये क्या हमें पता लग जाएगा कि ये क्या है, द्वितीय प्रकार का अनंत इंटीग्रेशन से। देखिए, अब हम करेंगे सीधा म्यू टेस्ट, क्योंकि म्यू टेस्ट से ये डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको म्यू टेस्ट, लेबनीज टेस्ट मैंने और क्वेश्चंस में पढ़ाए थे, तो आप देख सकते हो। तो देखिए, म्यू टेस्ट क्या करना है कि जो भी हमें कोई भी फंक्शन लिख जाए तो उसकी एक्स की घात म्यू के रूप में लिखना है। तो लिमिटेड एक्स टेंस टू शून्य एक्स की घात म्यू अपॉन 1/√10x, ये हमें दिया ही है ना, इसकी हमें म्यू टेस्ट करेंगे। तो देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स म्यू अपॉन √10x, ये हमें दिया है। और x अब लिमिट यहाँ पुट करेंगे, x टेंस टू शून्य, यानी शून्य जब यहाँ x की जगह पुट करेंगे, यानी जीरो की लिमिट, जीरो की घात क्या हो जाएगी, म्यू 1/√10, यहाँ पर x, x की घात क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर जीरो की घात म्यू, यानी कि जीरो ही आएगा, और 1/ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब जीरो का भाग 1 में देंगे तो अनंत आ जाएगा, और जीरो और अनंत गुणा यानी कि e है ना, जो कि e इक्वल टू क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये जीरो ही है ना। तो देखिए, जो कि क्या है, एक परिमित मान है, परिबद्ध मान है ना। तो जब भी हमें कोई परिमित मान निकल जाए और वो एक से छोटा हो, तो वो क्या, कन्वर्जेंस थिंकिंग हो जाएगा म्यू टेस्ट से, है ना। तो देखिए, यहाँ पर e एन e इक्वल टू क्या है, जीरो, और जीरो एक से छोटा होता है। तो देखिए, यहाँ पर i इक्वल टू जीरो dx 10x क्या है, एक अभिचारी है, यानी कि क्या है, कन्वर्जेंस थिंकिंग है ना। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन कौन सा है, ये अभिचारी परीक्षण का है। तब जीरो से ग्रेटर देन म्यू, म्यू टेस्ट से किया है, से वन से म्यू से बड़ा हो जाएगा 1, है ना। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोस, मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।